अंधकासुर समझ चुका है कि उसकी विजय संभव नहीं है। अब तो मेरे पास और भी बड़ा कारण है देवताओं से युद्ध करने का। हिरण्यकश्यप के निर्बल वध का प्रतिशोध, कल देवासुर संग्राम भी होगा और असुरों की विजय भी अवश्य होगी। मेरे पिता तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे अंधकासुर, मुझे अभी भी स्मरण है। इस प्रकार मेरे पिता इस सिंहासन पर अपनी शक्ति और श्री हरि के प्रति अपनी घृणा के अहंकार में स्थित होते थे। बंधक बनाऊंगा मैं तुम्हारे और श्री हरि को, बंधक। तुम भी वही भूल दोहरा रहे हो अंधकासुर। कैसी भूल? वो भूल जो मेरे पिता महान असुर राज हिरण्यकश्यप से हुई थी। तुम्हारे ही समान उन्होंने श्री हरि को पराजित करने के उद्देश्य से तपस्या कर ब्रह्मदेव से अपराजय होने का वरदान प्राप्त किया था। मेरे पिताश्री ने दीर्घकाल तक ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। समय व्यतीत होता गया और अंततः ब्रह्मदेव मेरे पिताश्री की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने उनके समक्ष प्रकट हुए। वत्स, हिरण्यकश्यप, प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ मैं। कहो क्या वरदान चाहते हो ब्रह्मदेव? न दिवस में न रात्रि में, न भीतर न बाहर, न आकाश में न पाताल में, न नर से न देव से, न यक्ष से न राक्षस से, न गर्व से न किन्नर से, न जलचर से न स्थलचर से, न उभयचर से न नवचर से, न मंत्र से न तंत्र से, मेरे प्राण किसी से भी न जा सके। और उससे भी अधिक ब्रह्मदेव, इस संसार में जिसकी भी आपने रचना की है उनमें से कोई भी मेरा वध न कर सके। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जहां एक ओर मेरे पिताश्री तपस्या कर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इंद्रदेव ने मेरी माता का अपहरण कर लिया। मेरी माँ का हरण कर उन्हें अपना बंदी बनाने का प्रयास किया, जिससे वो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का वध कर सकें। परंतु देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया और इस घृणित कार्य को करने से रोका। अपने संभावित पाप कर्म से भयभीत होकर देवराज ने माता देवी लीलावती को देवर्षि नारद के पास ही छोड़ दिया। माँ अपनी होने वाली संतान को लेकर चिंतित थी, इसलिए देवर्षि ने उन्हें अपने ही आश्रम में शरण दी, जहाँ दिवस हो या रात्रि मात्र श्री हरि नारायण का नाम ही जपा जाता है और भजनों में उन्हीं की लीलाओं का वर्णन होता है। सौभाग्य से माँ के गर्भ में ये सब सीखने वाली संतान मैं था। तुम जग के स्वामी जगपाल हो, तुम हो भोर विष्णु, तुम रात हो, अंता भी तुम, अनंता भी तुम, निर्बल सबल सबके नाथ हो। नारायणा नारायणा हरि माधव मृणाला नारायणा। जहां मैं माँ के गर्भ में हरि भक्ति में लीन था, वहीं दूसरी ओर मेरे पिताश्री देवताओं से युद्ध करने में तल्लीन थे, ताकि वो उन पर अपना अधिकार और वर्चस्व स्थापित कर सके। असुरराज हिरण्यकश्यप की जय! असुरराज हिरण्यकश्यप की जय! असुरराज हिरण्यकश्यप की जय! असुरराज हिरण्यकश्यप की जय! असुरराज हिरण्यकश्यप की जय!
इसके पश्चात मेरे पिता श्री वैकुंठ पहुंचे ताकि वो प्रभु श्री नारायण को चुनौती देकर वहां भी अपनी प्रभुता स्थापित कर सके। उछलिए श्री हरि को चुनौती देने वैकुंठ गया था मैं, किंतु वो वहां से भाग गया। अवश्य ही मेरे वरदान के विषय में जानकर कहीं छुप गया होगा वो। इसलिए अब वैकुंठ हमारे अधीन है और हम वैकुंठ के राजा अब हम ही हैं। असुर राज हिरण्यकश्यप की। श्री हरि नारायण उचित समय से पूर्व कुछ नहीं करते, इसलिए तब उन्होंने मेरे पिताश्री से युद्ध नहीं किया, क्योंकि कर्मों का चक्र ही जीव के जीवन और मृत्यु का उचित समय निर्धारित करता है। पिताजी के कुछ सुकर्म उनके विनाश से उनकी रक्षा कर रहे थे और श्री हरि ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान का भी सम्मान कर रहे थे। फिर पिताश्री स्वर्ग लोक गए, किंतु वहां देवराज और अन्य देवताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा जब श्री हरि नारायण ने ही युद्ध नहीं किया तो वो उसमें कहां सक्षम होंगे। इंद्रलोक के बाद उन्होंने पृथ्वी के राज्यों को अपने अधीन किया, कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सका, किंतु वो वहीं नहीं रुके। उन्होंने स्वयं को ईश्वर घोषित कर सभी को उन्हें ईश्वर मानने पर विवश कर दिया। मैं हिरण्यकश्यप सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान नवीन ईश्वर हूं मैं। बोलो प्रभु हिरण्यकश्यप महाराज के। पिताजी, माता और मुझे देवर्षि नारद के आश्रम से लौटाकर ले गए, जहां एक ओर वो सभी को अपनी भक्ति के लिए विवश कर रहे थे, वहीं मैं सदैव हरि भक्ति में लीन रहने लगा। ओम नारायणाय नमः, 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 ओम नारायणाय नमः। मेरे गुरुओं को इसका भय था कि पिता श्री को मेरी हरि भक्ति की भनक पड़ गई तो मेरे साथ उन्हें भी दंड मिलेगा। प्रहलाद मेरे पुत्र। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। अपने सुमधुर स्वर में वेदों का सार बताओ। पिताजी, वेदों का ज्ञान तो सहज है, धर्म के पथ पर चलना, उचित कर्म करना और त्रिलोक के स्वामी श्री हरि विष्णु जिनसे संपूर्ण संसार गतिमान है उन्हीं की आराधना करना हमारा धर्म है। वो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। शत्रु का नाम मेरे समक्ष लेने का दुस्साहस किया तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। प्रभु श्री तो मेरे सर्वस्व हैं, मैं श्वास लेना छोड़ सकता हूँ किंतु उनका नाम लेना नहीं। नहीं स्वामी, नहीं, ये तो एक निर्दोष बालक है, इसे इतना भयानक दंड मत दीजिए। किंतु पिताश्री के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं थी।
नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायण। उन्होंने मुझे हरि भक्ति से दूर करने के अनेकों क्रूरता भरे प्रयास किए, किंतु प्रत्येक बार श्री हरि नारायण ने मेरी रक्षा की। असुरों में सर्वोच्च अवश्य हैं आप, किंतु जन्म और मृत्यु आपकी नहीं, श्री हरि की इच्छा से होते हैं। मेरी मृत्यु संभव है, तुम्हारा हरि मुझे नहीं मार सकता, कोई मुझे नहीं मार सकता, किंतु मैं किसी को भी मार सकता हूँ। तो क्या तुम्हारे श्री हरि मुझसे भी तुम्हारी रक्षा करेंगे? अवश्य। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। दिखो, मुझे तो नहीं दिखते तुम्हारे हरि, कहाँ है वो? अगर तुम्हारी रक्षा करने आए हैं तो कहाँ है वो? बोलो, दिखाओ मुझे कहाँ है वो। प्रभु नारायण हरि तो सर्वत्र है पिताश्री, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ वो नहीं हो। अच्छा, तब फिर तो इस गदा में भी है जिससे मैं तुम्हारा वध करने वाला हूँ। अवश्य है पिताश्री, खड़ग में है, खम्भ में है, जहाँ दृष्टि जाती है, जहाँ नहीं भी जाती है, सभी स्थानों पर है मेरे प्रभु श्री नारायण। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि वो मुझ में है, तुम में है, इस स्तंभ में भी है? अवश्य। तो ठीक, अगर मुझे तुम्हारे श्री हरि इस स्तंभ में नहीं दिखे तो सर्वप्रथम मैं तुम्हारे शीश के अनेकों टुकड़े कर दूंगा। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। Tanadum 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 t
दिवस है ना रात्रि है, ये स्थान और ये पल दोनों आपकी मृत्यु के लिए है। ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, किंतु मृत्यु के साधन है। ज्वलन्तं सर्वतो मुखं नृसिंहं भीषानाम भद्रं मृत्युर् मृत्युं नमामि अहम्। अनुज अंधकासुर नरसिंह रूप में श्री हरि नारायण यहीं प्रकट हुए थे। अनुज अंधकासुर, अभी भी समय है, सुधर जाओ, क्षमा मांग लो श्री हरि नारायण से। अर्थात आपके शब्द सत्य हुए श्री गणेश जी। अंधकासुर समझ चुका है कि उसकी विजय संभव नहीं है। युद्ध करने के लिए उसकी सेना शेष कहां रही? कौन करेगा उसके लिए युद्ध? प्रतीत होता है वो किसी भी क्षण बाहर आएगा और अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। यदि आपके वचन सत्य हुए तो यह अति उत्तम होगा, किंतु मेरे अनुसार हमें अभी भी सावधान रहना चाहिए। अनुजंद का सुर, भोर हो चुकी है, अब तुम्हें देवताओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। जिस प्रहलाद आपको जो कहना था आपने वो कह दिया, अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। अब तो मेरे पास और भी बड़ा कारण है देवताओं से युद्ध करने का। प्रतिशोध अपने पूर्वज महानतम असुरराज हिरण्यकश्यप के निर्बल वध का प्रतिशोध। अब देवासुर संग्राम भी होगा और असुरों की विजय भी अवश्य होगी। देवताओं को कदाचित ज्ञात नहीं कि इस बार मैं उनके लिए क्या उचित प्रबंध करने वाला हूँ। ज्ञात नहीं, अंधकासुर हूँ मैं, अंधकासुर हूँ मैं। ओम भीमाय नमः। ये मुझे कैसी अनहोनी का आभास हुआ है? गणेश सकुशल तो है। व्यक्ति का अहंकार उसके विवेक को हर लेता है, परिस्थितियां कैसी भी हो हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए।